अजवाइन को मेरे तरीके से भून पीस कर खा लो, आपका कई किलो वजन कम हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो मैंने अभी अभी बात बोली है बिल्कुल सही है, और आप ये मत समझिएगा कि मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ, ये बात बोली है बिल्कुल 100% सही बात है। आज जो मैं ड्रिंक बनाकर आपको दूंगी ये बहुत ही मैजिकल काम करेगा, हमारे वेट पर बहुत ही बढ़िया काम करता है, वजन को भी धीरे धीरे कम करता है। इसके अलावा इसके और भी बहुत ज्यादा फायदे हैं, आपको हर तरह की आपकी बॉडी में जो पेन की समस्या है, या फिर अगर आपका खाना ठीक से नहीं पचता, आपको कॉन्स्टिपेशन की यानी कि कब्ज की समस्या रहती है, पेट एकदम भरा भरा सा महसूस होता है, डकारें आती हैं, खट्टी डकारें आती हैं, कैसी भी कोई भी आपको पेट से जुड़ी समस्या हो, सभी में बहुत ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। इनफैक्ट धीरे धीरे मैं आपको कहूंगी हफ्ते भर में आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिल जाएंगे। वैसे तो आपको एक ही दिन अगर आप इस ड्रिंक को बनाकर पी लेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर की है ना, तो आप मुझे थैंक यू बोलेंगे, मन में थैंक यू बोलेंगे, और साथ ही कमेंट सेक्शन में भी लिखकर मुझे बताएंगे। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है मैंने इस ड्रिंक की। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता ही है कि हमें लेनी है अजवाइन, क्योंकि थंबनेल में भी मैंने बताया है कि अजवाइन को हमें भून कर पीस कर खाना है। अब किस तरह से क्या करना है, सबसे पहले अजवाइन को हमें साफ कर लेना है, अच्छे से साफ कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अजवाइन जो होती है ना, आयुर्वेद में भी कहा गया है कि वेट कम करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इसके साथ ही अगर बॉडी में कहीं भी पेन होता है तो उसके ये भी बहुत अच्छी है। साथ ही हमारी बॉडी में ना फैट डिपोजिशन नहीं होने देती, यानी कि जो वजन हमारा बढ़ता है फैट डिपोजिशन के कारण चर्बी जमा होने लगती है, तो चर्बी हमारी बॉडी में जमा नहीं होगी इसके कारण। इसके अलावा जो बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं ना, कैसी भी विषैले तत्व हो उनको भी निकालने में ये बहुत अच्छा काम करता है, पेट में गैस नहीं बनने देता, और आपका पेट जो भरा भरा सा आपको दिन भर महसूस होता था, कई लोगों को भूख नहीं लगती, तो वो भी समस्या आपकी बिल्कुल चली जाएगी। अब यहां पर एक चौथाई कप के करीब हमने अजवाइन ली थी, इसको धीमी आंच पर मैंने 2 से 3 मिनट भून लिया। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे ताकि हम इसको पीस पाए। अब अजवाइन के साथ एक इंग्रेडिएंट और ऐड करेंगे, वो है यहां पर मेथी दाना। मेथी दाना भी आप सभी जानते हैं, एक तो हम इसको भिगोकर बालों में तो लगाते ही हैं, बालों के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही ये बॉडी के पेन के लिए बहुत अच्छा है, और हमारे वेट को रेगुलेट करने के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारे ब्लड शुगर लेवल को यानी कि डायबिटीज को भी ये कंट्रोल करता है बहुत अच्छे से, इंसुलिन को रेगुलेट करता है, जिसके कारण हमारा जो वेट है बढ़ता नहीं है, और साथ ही अगर हम थोड़ी एक्सरसाइज भी करेंगे ना इस ड्रिंक को पीने के साथ ही, तो हमारा वेट बहुत तेजी के साथ कम होगा। अब ये जो ड्रिंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं ना, तो इसके साथ में एक बात कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि आप इस ड्रिंक को पीते रहिए उसके साथ साथ आप हैवी फूड खाते रहिए, जंक फूड खाते रहिए, तला हुआ खाना खाते रहिए, मिठाइयां खाते रहिए, बर्गर पिज्जा इस तरह का खाना खाएं, और आप चाहें कि आपका होम रेमेडीज के साथ वजन कम हो जाए, तो इस वाले ड्रिंक से नहीं होगा। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे खाना खाने के बाद आपको थोड़ी देर चलना होगा, तो हल्की फुल्की वॉक करते रहिए, या फिर थोड़ी हल्की फुल्की योगा या एक्सरसाइज कर लिया आपने, हल्का खाना खाएं। किस तरह का हल्का खाना खाना है ये मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताती जाऊंगी। तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका वजन बहुत तेजी के साथ डेफिनेटली 100% कम होगा। तो धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट मैंने मेथी दाने को भी भून लिया। तो मेथी दाना मैंने कितना लिया है, जितनी अजवाइन ली थी उतना ही मेथी दाना लिया है, एक चौथाई कप दोनों को ले लिया, दोनों को पीस लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेथी दाने को पीस लेंगे, मिक्सी के जार में डाल दीजिए। वो किस लिए, दोनों को एक साथ हमें नहीं पीसना है, कभी कभी पाउडर एकदम महीन नहीं हो पाता है, इसके लिए सबसे पहले मेथी दाने को अच्छे से पीस लीजिए। ये देखिए थोड़ा सा ये दरदरा सा ही रहता है जब आप इसको पीसते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसमें अजवाइन डाल दीजिए जो आपने भून कर रखी है, तो ये आराम से इसका पाउडर बन जाएगा, फिर आपको दिक्कत कुछ नहीं होगी पीसने में। तो बिल्कुल आपको सही तरीका मैं बता रही हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा मोटा मोटा अगर मेथी दाने का पाउडर रहता है ना, तो फिर खाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, और फिर आप उसका ड्रिंक बनाकर पियेंगे ना, तो एकदम से दाने दाने मुंह में आते हैं, फिर कड़वापन मुंह में आता है, तो फिर वो खाने पीने में अच्छा नहीं लगता। तो चूरन बनाकर हम रेडी कर रहे हैं, और इसको आप स्टोर कर लीजिए आराम से 1 महीने तक आप रखकर, और इसको आराम से सुबह शाम ड्रिंक आपको पीना है। एक टाइम भी अगर आप इसको बनाकर पी लेते हैं ना, तो बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और नहीं तो आप 2 बार पियेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपका रहेगा। तो देखिए इस तरह से पाउडर बना लिया, देखिए तो ये पाउडर हमारा वेट लॉस चूर्ण भी बोल सकते हैं, वेट लॉस पाउडर या फिर डिटॉक्स ड्रिंक हम बनाने जा रहे हैं बनकर। ये देखिए पाउडर तैयार हो चुका है, इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया।
अभी इसको हमने मिक्सी में पीसा है तो इसका भी टेम्परेचर थोड़ा सा भी ज्यादा होगा, थोड़ा सा गर्म होगा ये, तो इसको भी हम ठंडा कर लेंगे और उसके बाद में आप किसी भी डब्बे में भर कर रख सकते हैं। और इसमें अभी हमें कुछ चीजें और मिलानी है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखें, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अभी ये पाउडर कड़वा है तो इसको अभी हमें ठीक करना है, इसमें कुछ ट्रीटमेंट और अभी बाकी है। अब ड्रिंक बनाना है तो इसके लिए पानी चाहिए होगा, तो हम लेंगे एक सॉस पैन और उसमें डालेंगे पानी। आप कोई भगोना ले लीजिए, कोई भी बर्तन ले लें और उसमें डालें 1.5 से 2 ग्लास के करीब पानी। अगर 2 बार के लिए ड्रिंक बना रहे हैं, जैसे पूरे दिन के लिए, सुबह शाम के लिए आप चाहें तो 2 ग्लास पानी ले सकते हैं, और उसमें आप डाल दीजिए 1 से 1.5 चम्मच के करीब ये पाउडर। इस तरह से डालकर आप पूरे दिन के लिए बना सकते हैं। एक बार में बनाकर रख लीजिए, एक बार पी लीजिए और दोबारा पीने के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए। बाहर निकालिए फ्रिज से, गर्म कीजिए अच्छे से और उसके बाद में सिप सिप करके पी लीजिए। तो ये देखिए, इसमें मैंने 1 चम्मच पाउडर डाल दिया। अब इसको मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, इसको 4 से 5 मिनट हम इसी तरह से बॉयल करेंगे। जब ये अच्छे से उबलने लगेगा तो इसको हमें बहुत ज्यादा उबालने की जरूरत नहीं है, बस 3 से 4 मिनट आप उबाल लीजिए, हल्का सा उबल जाना चाहिए। उससे क्या होगा, एक मिक्सचर हो जाता है कि अच्छे से जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे अजवाइन के और मेथी दाने के, वो अच्छे से पानी में उतर कर आ गए हैं। वरना क्या होता है, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो पाउडर होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है भारीपन की वजह से, तो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। अगर आप इसको बॉयल करके ना बनाना चाहें तो आप इसको रात भर के लिए भिगो भी सकते हैं। 1 ग्लास पानी में आप भिगो दीजिए, रात को आपने भिगोया, मॉर्निंग में आपने गर्म करके पी लिया, या फिर अगर आपको शाम को रात को पीना है तो मॉर्निंग में आपने भिगोया और रात को गर्म करके पी लिया, इस तरह भी कर सकते हैं। पर वैसे ये वाला जो तरीका है ये सबसे बढ़िया रहता है। ये देखिए, हमने इसको इस तरह से बॉयल कर लिया है, बहुत ही बढ़िया ड्रिंक है फ्रेंड्स, आप इसको पीजिएगा, आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा। पर रात को आपको खाना हल्का खाना है, या फिर बहुत ही हल्का खाना खाएं, जैसे सूप सैलेड खाएं, या फिर आप ओट्स दलिया खा सकते हैं, ओट्स सूप पी सकते हैं, आप वेजिटेबल दलिया खा सकते हैं, कुछ इस तरह का खाना खाएं, या मल्टीग्रेन रोटी आपने एक खा ली, खूब सारा सैलेड खा लिया, मूंग की दाल खा ली, दही खा लिया, कुछ इस तरह का खाना खाइए तो आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा। और धीरे धीरे हल्की हल्की वॉक के बाद में, जैसे आपने खाना खाने के बाद हल्की वॉक कर ली लगभग 20 मिनट्स की, तो आपका वजन धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब ये देखिए, पाउडर हमारा बनकर तैयार है, इसको मैंने एक डब्बे में भर लिया है। अब इसमें आप चाहें तो आधी चम्मच के करीब आप डाल सकते हैं काला नमक या फिर सेंधा नमक, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। इससे हमारे जो पाउडर है उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने, ये देखिए, जैसे चाय हमारी बनकर तैयार है, इसको मैंने एक कप में, ग्लास में, जिसमें भी आप डालना चाहें, जिसमें भी डालकर पीना चाहें, आपने डाल लिया। इसके बाद में आप इसमें ही 2 चुटकी के करीब काला नमक डाल सकते हैं, अगर आप पाउडर में डायरेक्टली नहीं मिला रहे हैं तो, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे बीपी के पेशेंट्स होते हैं तो वो नमक प्रेफर नहीं करते हैं, तो टेस्ट को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा आप इसमें काला नमक डाल सकते हैं। आप पाउडर में डालकर ना रखें और इस तरह से जितनी भी आपको जरूरत हो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप काला नमक या सेंधा नमक मिला लीजिए। आधा नींबू का रस आप निचोड़ दीजिए इसमें, फिर आप देखिएगा कमाल, एक तो बहुत ही टेस्टी लगता है ड्रिंक और बहुत ही बढ़िया काम करता है ये हमारे वेट पर, वजन पर बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप रेगुलर खाना खा रहे हैं, जैसे अगर आप बिल्कुल भी वॉक नहीं करते, आप एक्सरसाइज नहीं करते, कैसा भी योगा नहीं करते, तो भी आप ये ड्रिंक बनाकर पीते रहिए तो आपका वेट मेंटेन रहेगा, आपका वेट बढ़ेगा नहीं। आप सुबह दोपहर का खाना खाने के 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद इस ड्रिंक को पी लीजिए, इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर रात को ना बेड टाइम ड्रिंक के फॉर्म में इसको पी लीजिए। जैसे रात को आपने खाना खा लिया है, उसके आधे घंटे बाद आप इस ड्रिंक को सोने से पहले पी लें और उसके बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। इस तरह से दिन में 2 बार इसको लेना है, अगर 2 बार नहीं ले सकते तो रात को तो 1 बार सोने से पहले इसको लेना ही है। इस तरह से आप 21 डेज तक रेगुलर कीजिए, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप थोड़ा सा डाइट का ध्यान रखते हैं उसके साथ अगर आप इस ड्रिंक को पिएंगे ना, तो आप देखिएगा आपका वजन बेहद तेजी के साथ कम होगा, ये मेरी गारंटी है। साथ ही आपका पेट बहुत अच्छा साफ होगा और जितनी भी आपकी पेट से जुड़ी समस्या है सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। तो इस ड्रिंक को बनाइए, पीजिए और फिर मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो जल्दी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।